नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजे और आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। महिलाओं व युवतियों की सुरक्षा का दावा करने वाले मामा के राज में भांजियां कितनी सुरक्षित हैं, इसकी एक बानगी शहडोल में देखने को मिल रही है। शहडोल जिला मुख्यालय स्थित कोशा भाव ठाकरे जिला अस्पताल के NRC में रिश्तेदार के साथ आई एक आदिवासी नाबालिग किशोरी के साथ अस्पताल के सफाई ठेका सुपरवाइजर राज यादव ने नौकरी देने के नाम पर यौन शोषण करना चाहा। सुपरवाइजर की इस गंदी करतूत को अस्पताल के ही किसी कर्मचारी ने वीडियो बना लिया, जो अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हमेशा विवादों के घेरे में रहने वाले शहडोल सभाग का इकलौता कोशा भाव ठाकरे जिला अस्पताल के NRC में रिश्तेदार के साथ आई एक आदिवासी नाबालिग किशोरी को अस्पताल के सफाई ठेका सुपरवाइजर राज यादव ने नौकरी देने के नाम पर अपने कक्ष में बुलवाया, उससे शैक्षणिक योग्यता की जानकारी ली और रजिस्टर में कुछ लिखने को कहा, जिसके बाद उसने उसे नौकरी देने का वादा किया और साथ ही शारीरिक छेड़छाड़ करने लगा। किशोरी ने एतराज जताया तो पनीर और अन्य पकवान खिलाने की बात कही। इसके बाद भी किशोरी का साहस नहीं टूटा और खुद को दरिंदे के हाथों धक्का देते हुए बाहर निकल गए। इस दौरान उस सुपरवाइजर की इस गंदी करतूत को वहां मौजूद किसी कर्मचारी ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा। मोबाइल फुटेज में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरह से सुपरवाइजर किशोरी के प्रलोभन देकर उसके साथ गलत काम करना चाहता था। वहीं इस पूरे मामले में कोशा भाव ठाकरे जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन डॉक्टर GS परिहार ने बताया कि वायरल वीडियो मिला है, उक्त कर्मचारी के खिलाफ तत्काल कार्यवाही की जाएगी। दीपक कुमार गर्ग की रिपोर्ट। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है, स्टाफ सफाई कर्मचारी को यहाँ पर उसने एक NRC में एक बच्ची है उसको पकड़ा और उसके साथ छेड़खानी की। ये वीडियो आपके भी जानकारी में आया होगा, इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? मीडिया के आप लोगों ने मुझे अभी भी भेजा है, व्यक्ति को मैं पहचान गया हूँ, हमारे यहाँ सफाई कंपनी का वो सुपरवाइज़र है, उस पर हम एक्शन ले रहे हैं। जो क्योंकि अभी कंप्लेंट किसी ने नहीं की है, मीडिया के माध्यम से ही पता चला है, पर हम खुद संज्ञान में लेके उसको वहाँ से हटा रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। ये जो कब बुलाया था आपको, कौन है ये? लगभग 3 बजे करीब बुलाया। कैसे, क्या बोल के बुलाया था? जब मैं टहलने के लिए गई तो बोला, सुनो तुमसे कुछ बात करनी है। मैं बोली, क्या बात है, यही मैं बता दो। तो बोल रहा था, नहीं कुछ ज़रूरी बात है, चलो मैं तुम्हें ऑफिस दिखाती हूँ। मैं बोली, नहीं मुझे नहीं जाना। तो बोल रहा था, चलो ना एक बार दिखा देती हूँ। मैं बोली, ठीक है चलो। फिर जब मैं ऑफिस गई तो वो पूछ रहा था मेरा नाम, तुम्हारा नाम क्या है। मैं बोली, है मंगवाओ। तो बोल रहा था कि कितनी पढ़ी हूँ। मैं बोली, 10वीं सप्लीमेंट्री आई हूँ। तो बोल रहा था, तब तो तुमसे काम आ जाता होगा। मैं बोली, क्या काम? तो बोला, रजिस्टर में नाम चढ़ाना। मैं बोली, ठीक है चढ़ा दूंगी नाम। जैसे नाम चढ़ा कर रही थी, फिर मैं बोली, मेरी हैंड राइटिंग नहीं आ रही है। तो कहे, धीरे धीरे आ जाएगी, मैं तुम्हें नौकरी दिलवा दूंगी। फिर बोल रहा था कि मुझसे दोस्ती कर लो। मैं बोली, नहीं दोस्ती नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत फ्रेंड हैं। तो बोल रहा था कि मैं तुम्हें पनीर और रोटी खवाऊंगी। मैं बोली, नहीं मैं खाना खा चुकी हूँ। फिर अच्छी अच्छी जी, फिर आप निकलना है वहाँ से? निकल, आपने किसी को बताया ये चीज़? जी, जब पूछे हैं तब बताएं, बाकी किसी को नहीं बताएं। कौन पूछा था? पहले वो लोग आए, क्या नाम था उनका, मैंने जाना, तो ऑफिस में आए यहाँ पास, तो पूछ रहे थे कि तुमने कहीं बाहर गई थी। मैं बोली, नहीं गए। फिर जब वीडियो दिखाया तो फिर मैं साफ साफ पूरा बता दी। आप क्या चाहती हैं? मैं यही चाहती हूँ कि मेरी फोटो वायरल ना हो। ठीक है, कुछ कार्रवाई चाहती हैं उसके ऊपर? नहीं। इस खबर में बस इतना ही, बने रहें नया भारत दर्पण समाचार के साथ।